हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अली शान है और आप देख रहे हैं ITSUΣATION। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक RHEL 8.0 की इंस्टॉलेशन है, जो कि रेडहैट ने रिसेंटली अभी न्यू रिलीज़ किया है। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँगी। रेडहैट ने फर्स्ट जो अपना बेटर वर्जन था वो उसने नवंबर 14/2018 को रिलीज़ किया था। और उसके बाद जो कि रेडहैट रिलीज RHEL 7 मई 2019, और इसने जो ऑफिशियली अभी रिलीज़ किया है वो 7 मई 2019 को रिलीज़ किया। और RHEL 8 इज बेस्ड ऑन फेडोरा 28 एंड यूजेस अपस्ट्रीम लिनक्स कर्नल 4.18, यानी कि फेडोरा की बेस पर ये बनाई गई है, और इसका जो लिनक्स कर्नल है वो 4.18 है। तो इंस्टॉलेशन देखते हैं कि इंस्टॉलेशन के क्या स्टेप्स हैं। तो मैं इसके लिए VMware ओपन कर रहा हूँ। मैं तो इधर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, या फाइल में जाकर न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें तो आपको ये विजेट आएगा। आप कस्टम पे क्लिक करें और इसे नेक्स्ट करें। इधर भी आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे ISO इमेज चाहिए, तो मैं इस ऑप्शन को चूज करूँगा, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट। फिर इधर वो कह रहा है कि गस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करें, मेरा लिनक्स है। और ये वर्जन में वो कह रहा है वर्जन सेलेक्ट करिए, ड्रैग डाउन मेन्यू में आपको जोन से लिनक्स आपने इंस्टॉल करनी है, विंडोज करनी है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप कर सकते हैं। इसमें से मैं अब रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो कि 8 है उससे मैं चूज करूंगा। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8 64 बिट, नेक्स्ट। इधर वो वर्चुअल मशीन का नाम कह रहा है, ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ, 8 64 बिट, नेक्स्ट। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नंबर्स ऑफ प्रोसेसर कितने देना चाहेंगे आप, और नंबर्स ऑफ कोर पर प्रोसेसर मैं इधर डिफॉल्ट में रहने दे रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। इधर वो कह रहे हैं कि आप इसे रैम एलोकेट करें, रैम मैं इसे 2GB ही रख रहा हूँ, उसने डिफॉल्ट में उठाई है, नेक्स्ट। और आगे नेटवर्क कनेक्शन और नेटवर्क अडॉप्टर्स की बात कर रहा है। फर्स्ट अडॉप्टर हमें नेट पर ही चाहिए, क्योंकि इस पे नेट में ये होता है कि आपका नेट चल रहा होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही होती है, और ये DHCP से ऑब्टेन कर लेगा IP ऑटोमेटिकली, और बाद अवकात हमें स्टेटिकली भी असाइन करवाना पड़ता है। तो मैं इसे यूज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। आगे IO कंट्रोलर है, स्कजी कंट्रोलर, हार्ड ड्राइव के बारे में, इसे एज इट इज ऐसे रहने देना, नेक्स्ट नेक्स्ट। आगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक, डिफॉल्ट पे है, आपने ऐसे ही इसे जाने देना है। आगे हार्ड डिस्क का स्पेस देना 20GB, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मैं इसे 20 पर ही लीव कर रहा हूँ। और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज सिंगल फाइल, इस पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। आगे वो कह रहा है कि आपने ये डिस्क जो बनाई है ये किधर सेव करवाना चाह रहे हैं, या डिफॉल्ट में ही जाने दूँ। तो इसके लिए आपको बेहतर ये है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है, या किसी ड्राइव में जो पार्टीशन बनी हुई है उधर स्पेस अवेलेबल है, तो आप इसको सेव करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, इस ब्राउज के बटन पर क्लिक करना, डिस्क 2 मेरे पास अवेलेबल है, उधर मैं जाकर RHEL 8 के अंदर ये पड़ा हुआ मेरे पास एक ये न्यू फोल्डर, इसके अंदर मैं इसे सेव करवा देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ये इसकी उसने मुझे समरी दिया, तो इधर हम कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे हार्डवेयर की। तो इस कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2GB रैम है, एक प्रोसेसर है, और एक CD DVD रोम लगा हुआ है, और नेटवर्क अडाप्टर 1 है।
USB controller present है, sound card available है, printer available है, display available है, तो हमें इधर चाहिए क्या, हम उसे modify करेंगे। तो सबसे पहले तो हम CD DVD room में जाएंगे, इसको ISO image देंगे जिससे हमने installation करनी है। तो use ISO image पर क्लिक करके browse पर क्लिक करना है, और जिधर आपका ISO पड़ा हुआ है आपने उसे select करना है। RHEL 8 है, इसे मैं select कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिलेक्टेड हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए नेटवर्क अडॉप्टर। अभी मेरे पास नेट अवेलेबल है, ठीक है, तो मैंने एक और ऐड करवाना है जो कि होस्ट ओनली पे होगा। तो मैं नेटवर्क अडॉप्टर पे क्लिक करके, ये जब हाईलाइट हो जाता है तो ये सिलेक्टेड हो जाता है, तो आपने ये इस पर सिलेक्ट करके, ये नीचे ऐड का बटन है इस पर क्लिक करना, और इधर फिर तीसरी ऑप्शन नेटवर्क अडॉप्टर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं ऐड अ न्यू ऐड अ नेटवर्क अडॉप्टर, इस पर फिनिश करना है। तो इधर वो डिफॉल्ट में एक न्यू ऐड करेगा, लेकिन वो नेट पर होगा, लेकिन आपने इधर आगे उसकी इसको चेंज करना है, होस्ट ओनली करना है। ये देखिए पहला नेट पे और दूसरा होस्ट ओनली पे, और क्लोज कर देना है। और ये हमारी जो हमने उसके स्पेक्स रखने थे, सेटिंग करनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, और फिनिश कर देना। ले जी ये समरी हमारी डिवाइस की, 2GB रैम है, 1 प्रोसेसर है, 20GB हार्ड है, यूजिंग फाइल RHEL 8.0 DVD का ISO, ये एक अडॉप्टर आपका नेटवर्क का जो है नेट पे है, दूसरा होस्ट ओनली पे है, और आगे USB कंट्रोलर, साउंड कार्ड, प्रिंटर, ऑटो डिटेक्टिव डिस्प्ले एंड सो ऑन आप देख सकते हैं। चलें इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त के ज़िया के। तो इस पावर ऑन दिस मशीन इधर भी आप क्लिक करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये ऊपर एक ग्रीन कलर का बटन है, ड्रैग डाउन करें तो आपको ये स्टार्टअप गस्ट करेगा, ये इधर शो कर रहा है, और कंट्रोल बी भी करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे स्टार्टअप गस्ट कर रहा हूँ। लीजिए हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है इंस्टॉलेशन के लिए जी। तो ये स्क्रीन आ चुकी है, इधर अप एंड डाउन एरो की मदद से आपने ये देखिए, ये वाइट हो रहा होगा बार बार, वाइट एंड ब्लू, तो जब वाइट होता तो ये सिलेक्टेड होता है। मैं सबसे ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंस्टॉल रेडहैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0 को करके एंटर कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स आप सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने सर्वर पर, डेस्कटॉप मशीन, जो भी आपने जहां पर इंस्टॉल करना चाहे वर्चुअली, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रेडहैट 8.0 इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी मजीद और वीडियोस इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको डिटेल में मिलेंगी, और किसी भी किस्म की क्वेरी हो आप हमें कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह आपकी वक्त मुनासिब पे ज़रूर हेल्प करेंगे। इसे मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं मैं, ले जी वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। तो इधर वो कह रहा है कि व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कि आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान अपनी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो हम डिफॉल्ट में यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश इस पे ही रहने देंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे। इधर गाइस ये थोड़ा सा स्लो इसलिए कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट भी है, और
डिपेंड करता है आपके स्पेक्स पे कि आपने उसे क्या कितनी रैम कितने प्रोसेसर कितने पर प्रोसेसर कोर दी हूँ। तो मैं इसे एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ जी। इसकी इंस्टॉलेशन समरी है जहाँ पर लोकलाइजेशन में इसका कीबोर्ड है जो हमने US सेलेक्ट किया था, लैंग्वेज भी इंग्लिश है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने टाइम जोन को सेट करना नहीं भूलना। इस पर टाइम डेट पे क्लिक करना आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। तो अपने रीजन अपनी कंट्री के हिसाब से आपने इस मैप पे सिलेक्शन करनी है। तो मैं इधर जैसा कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो ये पाकिस्तान कराची में सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये इधर जो टाइम है उस हिसाब से मैं अपने टाइम को मैनेज करूँगा। इधर इस टाइम और 45 है 46 एंड डन। नेक्स्ट थिंग सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन सोर्स है जो कि आपने CD और DVD की मदद से करना है। हमने इसको ISO दिया हुआ DVD में। और सेकंड सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो सर्वर विद GUI पे डिफॉल्ट पे सिलेक्टेड है, आपने इसे ऐसे ही रहने देना और डन कर देना है। अगर आप चाहें तो इन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से फर्दर चीज़ें आप सिलेक्ट करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मेल सर्वर है, नेटवर्क फाइल सिस्टम क्लाइंट है, परफॉर्मिंग टूल्स हैं, डेवलपमेंट टूल्स हैं, वर्चुअलाइजेशन टूल्स हैं, बेसिक वेब सर्वर है एंड मैनी मोर। अब सिलेक्शन अपनी करके आप यहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे टिक मार्क लगाएं और डन कर दे, वो इंस्टॉल कर देगा। तो मैं इसे लीव कर रहा हूँ और डिफॉल्ट पे जाने दे रहा हूँ। ये डिपेंडेंसीज चेक करके इसे ओके करेगा अभी जी। अब सिस्टम में यहाँ पर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन का कह रहा है जो कि आपकी हार्ड ड्राइव के बारे में आपकी पार्टीशन के बारे में पूछ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो ये मैंने एक 20 GB की हार्ड डिस्क वर्चुअली लगाई थी, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये भी सिलेक्ट हुई है लेकिन पार्टीशन अभी नहीं होगी। अगर डन करूँगा तो ये डिफॉल्ट में खुद ही पार्टीशन बनाएगा और इसके इंस्टॉलेशन के लिए रेडी कह देगा। लेकिन मैं इधर आपको थोड़ा सा एक इसकी सेटिंग्स बताना चाहूँगा कि आप इसे इसकी पार्टीशन कैसे करेंगे। तो इस पर क्लिक करना है और जब ये गुड का निशान आ जाए यानी टिक मार्क आ जाए तो ये देखें इधर ऑटोमेटिक कर रहा है। हमने ऑटोमेटिक नहीं करना, हमने इसकी पार्टीशन करनी है। तो कस्टम पे क्लिक करना है, डन पे क्लिक कर देना, आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पर ले आएगा जहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। रेडहेट इंटरप्रेट लिनक्स 8.0 इंस्टॉलेशन, यू हैवंट क्रिएट एनी माउंट पॉइंट फॉर योर रेडहेट इंटरप्रेट लिनक्स 8.0 इंस्टॉलेशन, यू कैन क्लिक हियर टू क्रिएट देम ऑटोमेटिकली। वो यही इधर भी कह रहा है कि अगर आप ऑटोमेटिकली करेंगे तो ये क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कर देगा, लेकिन नहीं, हमने इसे मैनुअली कराना है। तो ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है, बूट के ऑप्शन में जाना है और इसको स्पेस एलोकेट करनी है। नेक्स्ट आपने इधर ये है उसकी स्पेस, ये माउंट पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड है, डिवाइस टाइप स्टैंडर्ड है, LVM नहीं है ये। और ये आगे फाइल सिस्टम XFS ही रखना है। सेकंड डिफॉल्ट में जाने देना है और सेकंड स्वाप है, इसको मैं 1 GB ही रख रहा हूँ एड माउंट पॉइंट। इसकी भी टाइप LVM ही रहने दे, RHEL इसका वॉल्यूम ग्रुप है और स्वाप इसका फाइल सिस्टम स्वाप का स्वैप ही होता है। और फिर प्लस के साइन पे क्लिक करना है, रूट को एलोकेट करनी है स्पेस, 18 GB मेरे पास अवेलेबल है तो मैं चाहूँगा कि सारी की सारी अवेलेबल करूँ। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी भी एलोकेट करवा सकते हैं 10 GB करके, ये देखिए वो आपको ये शो कर रहा है। ई जी एग्जाम्पल 20 GB 500 MB माइनस दी कोटेशन मार्क, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं अगर आप करवाना चाह रहे हैं कि टोटल वो जितनी है वो खुद इसे असाइन हो जाए तो ऐड माउंट पॉइंट पर क्लिक करें तो सारी की सारी स्पेस इसे एलोकेट कर देगा। 18 GB रूट, 1 GB है इसका बूट और 1 GB स्वाप,
लें हम इसे, ये हमारी पार्टीशन हो चुकी है, तो डन करते हैं। आगे नेक्स्ट स्क्रीन एक शो करेगा कि समरी ऑफ चेंजेस, आपने ये पार्टीशंस बनाई है डिवाइसेस की, डिवाइसेस बनाई है, इसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो हम इधर एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे, हमारी पार्टीशन भी कंप्लीट। नेक्स्ट के डंप है, इसे हमने डिसेबल रखना। नेक्स्ट नेटवर्क एंड होस्ट नेम, नेटवर्क हमने दो डप्रेस लगाए थे, इसको मैं पहले वाले को ऑन कर रहा हूँ, इसकी वायर प्लग इन की है, तो ये वर्चुअली है, तो जारी बात है एक अडॉप्टर लगा हुआ है, तो वो नेट पे था, उसको मैंने जैसे ही ऑन किया उसने DHCP सर्वर से IP एड्रेसेस और DNS ऑब्टेन कर ली। सेकेंड ये है आपका लोकल नेटवर्क में नेटवर्किंग के लिए अडॉप्टर। तो फर्स्ट अभी मैं आपको एक होस्ट नेम इसका कन्फिगर करके बताता हूँ। इधर आप अप्लाई, ये इसका होस्ट नेम कन्फिगर हुआ, और सेकंड आप दूसरे डॉक्टर को उसका आईपी एड्रेस आप कैसे देंगे, इसे अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट DHCP से ही ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। तो अगर आपने मैनुअल करना है तो अडॉप्टर को सिलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, तो इधर इसकी समरी बता रहा होगा। जनरल में आपको ये बता रहा होगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू दिस नेटवर्क व्हेन इट इज़ अवेलेबल, कनेक्ट प्रायोरिटी फॉर द एक्टिवेशन। यहाँ पर अपनी मर्जी से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। IPv4 की सेटिंग में DHCP ऑटोमेटिकली था, तो मैंने ऐसे ही इसे जाने दिया, तो डन कर रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रोफाइल को रहने देना आपने, सिस्टम पर्पजेस को भी आपने एज इट इज लीव रखना है। तो अगर आप चाहें अपनी मर्जी से आप इसे चूज भी कर सकते हैं, इसके आपके सिस्टम का क्या पर्पज़ है, क्या रोल आप लगाना चाह रहे हैं। तो रोल्स में आपने रेडहैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर करना है, या वर्क स्टेशन है, या कंप्यूट नोड है, या नोट स्पेसिफाइड, तो नो इशू, इसे डन करें आप और बिगिन इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं। तो ले जी आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इधर यूज़र सेटिंग्स में वो कह रहा है कि रूट जो कि सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके हाथ में सारे प्रिविलेजेस होते हैं, राइट्स होते हैं, जिसके अंडर सारे सिस्टम के यूज़र चलते हैं, तो उसका कह रहा है कि वो पासवर्ड सेट करे, पासवर्ड इज नॉट सेट, इसका पासवर्ड सेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं सिर्फ एक वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ किया करें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नो यूज़र विल बी क्रिएटेड, क्योंकि वो कह रहा है कि अभी तक कोई यूज़र नहीं बना, जो सिस्टम का यूज़र है वो नहीं बना, तो उसे क्रिएट करें। यूज़र क्रिएशन पर क्लिक करूँगा, इधर उसका नाम दूंगा मैं, ये ऑप्शन मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये यूजर सिस्टम के एडमिन के तौर पर काम करेगा, ठीक है। इधर इसे पासवर्ड देता हूं मैं, ये पासवर्ड दिया और डन, ठीक है जी। ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, पासवर्ड भी मैंने रूट को सेट किया और यूज़र भी हमने बना दिया User01 के नाम से, User01 विल बी क्रिएटेड, आप मैसेज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगी, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो जैसे ही वीडियो मेरी कंप्लीट होती है तो मैं बैक आता हूँ, ठीक है। जी वेलकम बैक, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लीट का मैसेज आ चुका है, तो इसे मैं रीबूट कर रहा हूँ मैं। जैसे ही रीबूट होगा इसका एक रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर आएगा और लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा,
वो हम देखेंगे। उस पर हमने सिर्फ लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है और ये एक रजिस्टर सिस्टम तो नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन थी इंस्टॉलेशन की, वो मैंने आपको बताई है। तो हम लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और डन करेंगे उसे। जी स्क्रीन आ चुकी है। लाइसेंसिंग में लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है, वो कह रहे नॉट एक्सेप्टेड। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारा लाइसेंस एग्रीमेंट है। इसको हम आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करके डन करेंगे और फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जी हमारी रेड हैट इंस्टॉल हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यूज़र बनाया था यूज़र 01 के नाम से। तो मैं इसे लॉगिन करता हूँ, रूट से लॉगिन कर रहा हूँ मैं। नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके ये देखिए यूज़र 01 के लिए नॉट लिस्टेड है, इस पर क्लिक करेंगे और रूट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जी डेस्कटॉप आ चुका है और इसका कुछ डेस्कटॉप यूं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये मेन्यू है, ड्रैग डाउन करें राइट कॉर्नर पे। सॉरी पहले ये एक विजर्ड है, वेलकम विजर्ड, इस पर कह रहे थे आपने ये लैंग्वेज सेलेक्ट की है। फिर उसके बाद कीबोर्ड की सेटिंग्स है, फिर प्राइवेसी इसे नेक्स्ट कर देना है। अगर आप कोई अकाउंट है गूगल का, कोई लोकल नेक्स्ट क्लाउड का है, जो भी है आप इससे कनेक्ट करवाना चाहते हो वो करवा सकते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ और यू आर रेडी टू गो एंड स्टार्ट यूजिंग रेड हैट लिनक्स। इसके बाद एक और पेज आएगा, तो इस ये हेल्प का पेज होता है जीनोम का। तो आप ब्राउज दी वेब, कनेक्ट टू दी कनेक्ट ऑनलाइन अकाउंट्स, गेट ऑनलाइन, इस पर आप इंफॉर्मेशन हैं इसे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो इसका मैं आपको बता रहा था कि ये जो ड्रैग डाउन मेन्यू, इस पर क्लिक करता हूँ मैं इसे, इसके अंदर ये वॉल्यूम का बटन है, वॉल्यूम बना हुआ है और ईथरनेट है जो हमने दो कार्ड्स लगाए थे, एक कनेक्टेड है दूसरा भी अभी इसे कनेक्ट करना है। और ये आगे यूज़र जिस यूज़र से आप लॉग इन है वो आपको बता रहा है। और ये सेटिंग्स हैं, ये सिस्टम की सेटिंग्स हैं, ब्लूटूथ है, बैकग्राउंड का आप वॉलपेपर चेंज करना चाह रहे हैं, लॉक स्क्रीन का चेंज करना चाह रहे हैं आगे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं आप, सर्च है, रीजन लैंग्वेज है, यूनिवर्सल एक्सेस, ऑनलाइन अकाउंट्स हैं आपके जो आपको वो वेलकम में आए थे कि वहाँ से आप कनेक्ट करवा कर अपने अकाउंट्स को सिंक कर सकते हैं, प्राइवेसी है, शेयरिंग है आपकी, तो शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, रिमोट लॉगिन है, साउंड, ये आपका वो साउंड कार्ड शो कर रहा है, पावर है, नेटवर्क है, हमारे दो कार्ड्स थे तो इसे मैं ऑन करता हूँ मैं।
तो ये कनेक्टिंग पे है और ये कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जाकर आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। ये देखिए उसमें DHCP से DNS और IP address ऑब्टेन किए, ठीक है। आगे डिवाइसेस हैं, इस पे कीबोर्ड आ जाएगा, माउस, टच पैड, प्रिंटर, रिमूवेबल मीडिया, थंडरबोल्ट और वैकन टैबलेट कलर। आप इस पे जो भी सेटिंग्स करना चाहे अपनी मर्जी से उसे मैनेज कर सकते हैं। बैक जाऊंगा और इधर डिटेल्स हैं आपकी सिस्टम के बारे में, जो कि ये अबाउट बताएगा आपको। रेड हैट इंटरफेस लिनक्स 8.0 है, होस्ट नेम ये है, मेमोरीज की यानी कि रैम ये है, इसका CPU इंटेल कोर i5 और ग्राफिक है इसके, फिर उसका वर्जन है जीनों का, और OS टाइप 64-bit है, वर्चुअलाइजेशन VMware पे है, और डिस्क इसके 20GB है। और डेट आपकी इधर शो करेगा, और यूज़र जो आपने सिस्टम का बनाया होगा वो लोकल ये शो करेगा इसके, और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन फायरफॉक्स जो उसे आप डिफ़ॉल्ट देना चाहें ड्रैग डाउन करके आप, या जो आपने इंस्टॉल किया उसे अपनी मर्जी से डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग्स में इसकी छोटी सी ये एक ओवरव्यू था। और पावर के बटन में आपको वो ये लॉक का कह रहा है और पावर ऑफ करने का कह रहा है, और ये वॉल्यूम भी है, आगे नेटवर्क का, अगर इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सारी चीज़ें शो करेगा। तो उसके बाद ये है डेट, और डेट कैलेंडर वगैरह ये शो कर रहा है, और ये एक्टिविटीज़ पे क्लिक करें तो ये मेन्यू शो करेगा आपको डेस्कटॉप का। तो ये आपकी वर्क स्पेस है, ठीक है। और ये फायरफॉक्स फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स, हेल्प, ये बैश टर्मिनल है। तो उसके बाद इन शो एप्लीकेशंस पे क्लिक करें तो ये जितनी ऐप्स इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है वो आपको शो करेगा। तो मैं इस टाइम इसके टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट में न्यू टर्मिनल है इसका, तो आप देख सकते हैं। Red Hat Enterprise Linux 8.0, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये नेटवर्क कोऑर्डिनेट्स का, और ये कनेक्टेड स्टेट में, ठीक है जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके कुछ और टॉपिक्स लेकर आऊँगा, नेटवर्किंग पे, रेट पे और LVM पे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।